जय श्री माता जी। समस्त जागृत चेतनाओं को इस चेतना का सादर प्रणाम। ध्यान के नव दिवस का प्रारंभ होने जा रहा है। अतः सभी लोग अपनी चेतना, चित्त, मन, जागृति व समस्त ज्ञानेन्द्रियों को इस ध्यान के लिए तैयार कर लें। नित नवीन ध्यान हमारे भीतर अनेकों प्रकार के आनंद को जन्म देता है। यह सारी सृष्टि की रचना का आधार आनंद है और आनंद अनश्वर है, अनंत है, स्थाई है, कण कण में व्याप्त है। बस इस आनंद को अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भीतर में, अपनी संवेदन इंद्रियों के माध्यम से अपनी चेतना में बस अनुभव ही तो करना है। आनंद एक चिर स्थायी अस्तित्व है जो मानव के साथ निरंतर बना रहता है, परंतु हम मानव अक्सर अपने बाहरी जीवन के घटनाक्रमों के प्रभाव के कारण इस आनंद को कुछ देर के लिए महसूस नहीं कर पाते। मानवीय जीवन की घटनाएं चलचित्र की तरह हैं, जिसके विभिन्न पात्र अपना अपना पार्ट अदा करते हैं और चलचित्र को देखने वाला मानव अपने को उस चलचित्र से जोड़कर कभी सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। यदि हम अपने आप को सदा सनातन आनंद के साथ जोड़े रखें, अपने चित्त को, अपनी चेतना को, जागृति को, मन को सदा आनंद के साथ बनाए रखें, तो जीवन के हर घटनाक्रम में भी मानव उस आनंद की अनुभूति से परिपूर्ण रह सकता है। आनंद अनश्वर है, इसलिए सत्य है। घटनाएं परिवर्तनशील है, इसलिए असत्य है। अतः अपने ध्यान की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि हमें निरंतर अपनी चेतना को आनंद के साथ जोड़े रखना है और मन को बचाकर रखना है
संसारिक घटनाक्रमों के नकारात्मक प्रभावों से, क्योंकि मन सदा आरामदायक सुखद स्थितियों को ही ग्रहण करना चाहता है, क्योंकि मानवों के अनेकों बार जन्म हुए और ढेरों विपरीत स्थितियां परिस्थितियां मन के संग्रह में यादें बनकर सुरक्षित हैं और उन पीड़ादायक यादों के कारण मन हमारी चेतना को सुख की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। वो बताता रहता है कि केवल सुखदायी चीजों को ही अपनाओ, क्योंकि उसके पास हजारों लाखों दुखद स्मृतियां उपस्थित हैं। यदि हम ध्यानस्थ अवस्था को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, यानी ध्यानस्थ स्थिति को आती जाती श्वास के साथ जोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से हम आनंद की भी अनुभूति कर सकते हैं। जैसे कि कोई मानव बेहद दुखी है और वो उपवन में भी बैठा है और उपवन में इतने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, उनकी अति लाभदायक, उनकी आनंद देने वाली खुशबू सारे उपवन में फैली है, परंतु दुख से घिरा मानव ना तो खुशबू को महसूस कर पाएगा, ना ही सौंदर्य का आनंद ले पाएगा। वो तो बस एक दुख के दायरे में अपने को घिरा पाता है। यह एक प्रकार का अभ्यास है और यदि हम कोशिश करेंगे तो हम उस आनंद को जो हर स्थिति हर परिस्थिति व हर काल में हर हालात में उपलब्ध है, अपने को हम उस व्यवस्था से संयत रख पाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने ही हृदय के भीतर, निरंतर आनंद को अपने भीतर में शोषित करने के लिए हमारे पास मां आदि शक्ति ने व्यवस्था दी है, ध्यान की व्यवस्था। बारंबार अपने आप को ध्यान के साथ जोड़े रखना, जोड़े रखने की तैयारी करते रहना और अपने आप को अपने भीतर में महसूस करना, निरंतर आनंद को बनाए रखने का एक सुंदर रास्ता है। तो चलते हैं अपने हृदय में सर्वेश्वरी के समक्ष और साष्टांग प्रणाम करते हैं श्री मां को अपने ही हृदय के भीतर। महसूस कर सकते हैं प्रणाम करते ही अत्यंत सुखद वात्सल्य से परिपूर्ण मां के प्रेम की ऊर्जा सहस्त्रार को अपना अनुभव देने लगी। प्रतिक्रिया में सहस्त्रार ने खिंचाव देकर मां के प्रेम का अभिनंदन किया, उस ऊर्जा का स्वागत किया और एहसास कराया कि मैं तैयार हूं, मां आप
आपका प्रेम पाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूं। आधा एक मिनट के लिए अपने चित्त को हम सहस्त्रार पर ही बनाए रखेंगे। शोषित करते रहेंगे मां के चरणामृत को। कितना तीव्र खिंचाव हमारे सहस्त्रार में घटित हो रहा है। कितना सुखद व आनंददायी एहसास है मां का अपने ही सहस्त्रार पर धीरे धीरे इस खिंचाव को, इस ऊर्जा की सक्रियता को अपने मध्य हृदय से भी जोड़ देंगे और वही प्रतिक्रियाएं सहस्त्रार के साथ साथ अपने मध्य हृदय में भी महसूस करते हैं। महसूस कर सकते हैं कि अब मध्य हृदय में भी एक सुखद खिंचाव प्रारंभ हो गया है। सहस्त्रार मध्य हृदय दोनों ही स्थानों पर एक वैक्यूम की अनुभूति प्रतीत हो रही है जो हमारे चित्त को अपनी ओर खींच जा रही है और इस खिंचाव को, चित्त और खिंचाव के मिलन को हमारी चेतना ग्रहण कर रही है और ऐसे सुंदर समय में मन बिल्कुल शांत बैठा है। यह भी इस अवस्था का आनंद उठा रहा है और कुछ मिनट दो मिनट तक इसी व्यवस्था को ग्रहण करते रहेंगे। इतनी सुंदर अवस्था, ऐसा महसूस होता है मानो बेहद आरामदायक बिस्तर पर हम आराम फरमा रहे हैं और उस आराम का भी हम आनंद उठा रहे हो। बैठ जाते हैं उठकर ध्यान मुद्रा में स्वयं के हृदय के ही भीतर जहां सारे विश्व की जागृत चेतनाएं ध्यानस्थ हैं। सारी जागृति, सारे चेतन कार्य सदा हृदय में ही घटित होते रहते हैं।
यदि हम अपनी चित्त व चेतना को निरंतर हृदय के संपर्क में रखें, वह सारी अलौकिक दिव्य घटनाएं, उनकी ऊर्जा, उनका प्रेम, उनकी शक्ति निरंतर हमारी चेतना को हमारे हृदय के माध्यम से मिलती रहेगी। महसूस कर सकते हैं ऐसी अवस्था में हमारी विशुद्धि चक्र में भी ऊर्जा का प्रवाह दौड़ना प्रारंभ हो गया है। गौर करके देखें, खास तौर से बाईं विशुद्धि में प्रवाहित हो रही है। सहस्त्रार बाईं विशुद्धि व मध्य हृदय में इस वक्त एक आनंददायी ऊर्जा का संचार हो रहा है। चेतना को इस विचरती हुई ऊर्जा के साथ जोड़े रखेंगे। सहस्त्रार का खिंचाव निरंतर स्वतः ही बढ़ता ही जा रहा है, महसूस कर सकते हैं। और इन विभिन्न प्रकार के खिंचाव व ऊर्जा के भ्रमण से उत्पन्न आनंद से हम जुड़ जाएंगे। आनंद ऊर्जा की प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। जैसे दही को पिलोने पर मक्खन निकलता है, तो आनंद इस ऊर्जा के द्वारा हमारे सूक्ष्म यंत्र को ऊर्जा से आच्छादित करने का परिणाम है। अपनी चेतना को पूरी तरह समाहित कर देते हैं इसी आनंद में और डूब जाते हैं इस आनंद के सागर में। और इस वक्त हमें सबसे ज्यादा गौर जो करना है वो आनंद को ग्रहण करना है, इसी पर गौर करना है। चक्रों में क्या हो रहा है, कैसे वाइब्रेशन है, इस पर ध्यान नहीं देना। केवल और केवल आनंद में डूबने पर ही ध्यान देना है। जैसे कि अपने प्रिय स्वादिष्ट भोजन को अपने सामने पाकर मानव भोजन में व्यस्त हो जाता है और उसे उस वक्त
अर्थात समय का ध्यान ही नहीं होता, वो तो बस उस भोजन की स्वादिष्टता के आनंद में मशगूल होता है। तो ध्यान भी हमारी जीवात्मा का भोजन है और इस भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया में जो आनंद उत्सर्जित होता है, बस केवल उसी ही आनंद में अपने को डुबो देना है, अपनी चेतना को इस आनंद रूपी सागर की तलहटी में बैठा देना है। आनंद, आनंद और केवल आनंद ही हमारी चेतना के चारों ओर छा गया है। हम इस आनंद में खोते जा रहे हैं। कोई भी विचार आसपास नजर नहीं आ रहा, केवल एक ही भाव है, एक ही अनुभव है कि निरंतर घटित होने वाले आनंद में करते जाना। भीतर में शून्य अवस्था और हृदय में एक अनजाना सा उल्लास, मन अमन में परिवर्तित हो गया। इसी आनंद का हिस्सा बन गया। मानवीय एहसास न जाने कहां लुप्त हो गया, केवल एक ही एहसास है और वो एहसास है आनंद। या देवी सर्वभूतेषु आनंद रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै।
स्वस्थ सही नमो नमः। हे देवी, आप आनंद रूप में मेरी चेतना पे आच्छादित हो। इस साधक का आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमारी समस्त जागृतियां इस घड़ी इस पल में आनंद की समाधि का लुत्फ उठा रहे हैं। महसूस कर सकते हैं कि हमारा बाह्य अस्तित्व तो नगण्य हो गया है। अंतस में अपूर्व शांति घटित हो रही है और उस शांति में भी निरंतर आनंद का समावेश बना हुआ है।
ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो हम पूर्ण आनंद ही हो। हमारा अस्तित्व सिवाय आनंद के कुछ और नहीं, शेष रह गया है। ना कोई विचार, ना कोई स्मृति, ना कोई चिंता, ना कोई दुख, ना कोई महत्वाकांक्षा, ना कोई कर्तव्य परायणता। सब कुछ मानो इस दिव्य आनंद में समा गया है। इसी सुंदर स्थिति को थोड़ा और देर तक बनाए रखते हैं। इतनी आनंददायी स्थिति को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अपने चित्त को लिए चलते हैं अपने सहस्त्रार पर, जहां मां आदि शक्ति अनेकों प्रकार के आनंदों को अपने साथ रखे हुए हैं। महसूस करेंगे मां आदि शक्ति की शक्ति को ऊर्जा के रूप में। भीतर में प्रवाहित होने वाली दिव्य ऊर्जा के परिणाम स्वरूप सुखद खिंचाव में जो निहित आनंद है, अब उसको आत्मसात करते हैं। जैसे जैसे सहस्त्रार में खिंचाव बढ़ता जा रहा है, प्रक्रिया स्वरूप आनंद में भी बढ़ोतरी हो रही है। हमारे भीतर के संपूर्ण यंत्र में बढ़ते हुए खिंचाव के साथ ऊर्जा का संचारण हो रहा है और इस संचारण के साथ जुड़े आनंद पे भी अपनी चेतना को बनाए रखेंगे। यानी सहस्त्रार और संपूर्ण सूक्ष्म यंत्र में प्रवाहित
साथी को आनंद रूप में ग्रहण करेंगे। अब ऐसी सुंदर अवस्था में जरा प्रयास करते हैं किसी दुख के विषय को याद करने का। कोशिश करें आपके जीवन में कोई भी यदि दुखद घटनाक्रम चल रहा है या चल चुका है या चलने की संभावना है, जरा उनके विचारों को अपने भीतर में लाने का प्रयास करके देखें। क्या वो प्रयास हमारा सफल हो पा रहा है? हमारे जीवन में हर पल रहने वाले साथ वक्त हम अच्छे से याद कर पा रहे हैं या उसकी याद का प्रभाव, दुष्प्रभाव हमारी चेतना पर आ रहा है? जरा गौर फरमाएं। अक्सर कुछ ना कुछ साथ लगे रहने वाले दुख हमारे भीतर में हमारे मन को निरंतर पीड़ा देते रहते थे। इस वक्त कहाँ चले गए? जरा देखें तो आखिर क्यों नहीं दुख महसूस हो रहा है हमें अभी? अंदर झांक के देखें, क्या कोई चीज हमें अभी भी दुखी कर रही है? कुछ भी नहीं हो पा रहा, दुख का कोई प्रभाव हमारे भीतर नहीं आ रहा, क्यों? क्या कारण है? कारण स्पष्ट है, क्योंकि हम इस ध्यान के
शुरुआती सेशन से ही मानव के जीवन में निहित आनंद से जुड़ गए और चित्त व चेतना को आनंद का अंग प्रत्यंग बना लिया। इस कारण से कोई भी दुख की घटना, दुख की सोच, दुख की चिंता तीनों ही लुप्त हो गए। कितनी आसान व सरल चीज है समझने के लिए, किसी भी प्रकार के कर्मकांड व प्रक्रिया को करने से अच्छा है अंतर्निहित आनंद पे ध्यानस्थ होकर अपना चित्त व चेतना जोड़ लेना और घंटा आधा घंटा तक उस पे बने रहना, तो फिर आप पाएंगे बरसों के लगातार किए जाने वाले दुख के चिंतन से राहत मिल रही है। दुख की अनुभूति के साथ आनंद भी अपना अनुभव दे रहा है। एक हमारी चेतना में एक आनंददायी विरोधाभास परिलक्षित हो रहा है। इस पर इस घड़ी हमारी चेतना से आनंद ही आनंद प्रस्फुटित हो रहा है। अब अपने चित्त को हम थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, आकाश में, विशाल आकाश में अपनी चेतना और चित्त को स्थापित करते हैं और आकाश में भी स्थित आनंद पे अपना फोकस करते हैं। क्यों परिंदे विशाल आकाश में आनंद के साथ विचरण करते रहते हैं? निरंतर घंटा, दो घंटा, चार घंटा, छह घंटा वो आकाश में ही तैरते रहते हैं। क्या प्राप्त होता है उन्हें? आनंद। क्यों नीला आकाश अच्छा लगता है? इसमें निहित आनंद के कारण। आनंद जो कि नीले आकाश में उपस्थित है, तो आकाश की हर चीज, हर स्थिति मानव को प्रिय लगती है, क्योंकि जाने अनजाने में मानव उस आनंद को यदा कदा ग्रहण कर पाता है। इस आकाश के नीलेपन में अपनी चेतना को रमाते हैं।
धाराएं हमारे अंतःकरण को भिगोती जा रही है। अब अपने चित्त को हम थोड़ा और ऊपर उठाते हैं और टिका देते हैं अंतरिक्ष में। संपूर्ण तारामंडल के साथ अपने चेतना व चित्त को जोड़ देते हैं। अनादि अंतरिक्ष में फोकस करते हैं इसमें निहित आनंद में। और इस अंतरिक्ष में निहित आनंद को अपने भीतर महसूस करते हैं। महसूस कर सकते हैं हर स्थिति में हर स्थान पर हमारे भीतर आनंद अवतरित हो रहा है और हम स्वयं आनंद के साथ एक रूप हो गए हैं।